चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर जो छूटा हुआ है, लेकिन वो जो चैप्टर है वो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, समझे। सर्कुलर मोशन में हम लोग जो किए थे उसमें से कुछ चीजों को हटा के एक नया चैप्टर के साथ ऐड कर दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली इसीलिए हमें को लगा कि मैंने सर्कुलर मोशन को पढ़ाया है, एडमिन सारा चीज हमारा क्लियर है, लेकिन कुछ चीजों को हटा के अलग इसको कर दिया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। नया चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे और आज मैक्सिमम हम बेसिक बेसिक बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर को जानने के लिए या फिर फैक्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, जो हम आप लोगों के साथ आज मैक्सिमम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले मैं एक बार जानना चाहूंगा कि अभी तक जो जितनी भी फिजिक्स में पढ़ाई हुई है, कहीं पे किसी को कोई डाउट या कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम, तो आप मेरे बोलिए। तो आज मैं कुछ बहुत सारी चीजों को दिखाऊंगा भी, पढ़ाऊंगा भी और समझाने की कोशिश करूंगा, और आज का क्लास जो होगा वो मैं रियल लाइफ से या फिर कुछ आप लोगों को दिखा के समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिए। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी एक टाइप का रोटेशनल मोशन ही है, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या पढ़ेंगे, उन सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है वो रोटेशनल मोशन है। सबसे पहले हम जानते हैं रोटेशनल मोशन क्या है। व्हेन ए पार्टिकल व्हेन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सच वे दैट ऑल इट्स पार्टिकल इज एट सेम एंगुलर वेलोसिटी ए कॉमन एक्सिस अबाउट क्या कुछ मूविंग अबाउट ए कॉमन एक्सिस, देन जो है मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, इसको समझाता हूँ लिखा हुआ क्या है, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ठीक है। एक मान लिया कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चाहे सर्कुलर में ना कंसीडर करके मैं एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये वाला स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा इसको डीप कर देता हूँ। इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट हो वह बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत से मतलब से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो बना होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना सारा पार्टिकल है। अब हम कह सकते हैं ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलके यह बॉडी बना हुआ है। ये जो बॉडी है, बॉडी इज फॉर्म बाय ये नंबर ऑफ ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये पूरा पार्टिकल से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि अगर यह इसको मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना दूं और इस एक्सिस के अराउंड में अगर इसको रोटेट करूँ ऐसे, ठीक है, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, इसको अगर मैं रोटेट करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑल टाइम ये जो मॉलिक्यूल्स है वह वहीं पे रहेगा। यानी कह सकते हैं देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट और नो एनी मूवमेंट इन पार्टिकल्स। ऑब्जेक्ट का जो या बॉडी का जो पार्टिकल्स होगा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और एक सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी जितना होगा इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, यानी एवरी पार्टिकल जो है वह सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट कैसे कर रहा हूँ मैं, आप मैं अपना छोटा सा फिगर ये ऑन करता हूँ वीडियो, आप वहाँ पे देख सक कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मानते हैं ये जो मोबाइल है ये मेरा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सिस मैंने कैसे बनाया है, यहाँ पे इस टाइप से मैंने एक्सिस को बनाया है, इस टाइप का एक्सिस है। तो ये रोटेशन कैसा होगा, ये एक्सिस है, इस टाइप का रोटेशन होगा, इस टाइप का रोटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का रोटेशन होगा, यानी ये इस टाइप से वो मूव करना शुरू करेगा। तो ऑल टाइम क्या होगा कि देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट इन एनी पार्टिकल पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वी कैन से
ऑल आर इन सेम एंगुलर वेलोसिटी और देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एनी अदर थिंग्स इन पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट। पार्टिकल का ऑब्जेक्ट में कोई मोशन या कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये चीज है। व्हेन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए सच वे दैट ऑल इट्स पार्टिकल एट सेम एंगुलर वेलोसिटी, सभी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, ठीक है, अबाउट ए कॉमन एक्सिस, ठीक है, अबाउट ए कॉमन एक्सिस। यहाँ पे इस फिगर में देखिए देख सकते हैं कि ये कॉमन एक्सिस किस मतलब अबाउट में ही सारा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सिस अलग है, इस मॉलिक्यूल के लिए एक्सिस अलग है, इसके लिए अलग है, यानी ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद सेम एक्सिस, सेम एक्सिस के साथ मूव कर रहा है। दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिएगा, रोटेशनल मोशन में ऑल ऑलवेज ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, नॉट ए सिंगल पार्टिकल, ऑलवेज होगा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट आते हैं, ऑल पार्टिकल्स इज मूविंग अराउंड इट्स सेंटर, इट इज नॉन एन एक्सिस। जितना भी पार्टिकल है, ठीक है, जितना भी पार्टिकल है ये अगर इस यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस टाइप का यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, इसका ये एक सेंटर होगा और उसी सेंटर के अराउंड यह मूव कर रहा है जिसको हम लोगों ने एक्सिस नाम दिया है। यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं यह एक व्हील है, यह क्या है, एक व्हील है, यह एक व्हील है, ये वाला एक व्हील है, ठीक है। अब ये जो व्हील जो यहाँ पे व्हील का जो मोशन है वो इस टाइप का है और यहाँ पे एक एक्सिस लगा हुआ है। कहाँ पे वो एक्सिस, उसके सेंटर में, सेंटर में एक्सिस है और इसी को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे बात आती है लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। मैंने यहाँ पे दोनों को इसलिए लिया है ताकि हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए चीजों को समझें, ताकि वो रिमेम्बर रखने में, याद रखने में हमें आसानी हो। लीनियर मोशन में क्या होता है, व्हेन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। लोग जानते हैं कि जब कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल। बट ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, व्हेन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बुलेट, जब गन से बुलेट फायरिंग होता है तो वो जाता है, दैट मीन्स वो एक पार्टिकल है। बट ट्रांसलेशनल मोशन एग्जाम्पल हो जाएगा कार, ठीक है, कार में व्हील है, कार का बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है, जो कि एक साथ मोशन करता है, दैट मीन्स वहां कह सकते हैं वो एक नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलके वो कार, और कार एक लाइन में जा रहा है तो उस मोशन को कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन लीनियर मोशन में ए पार्टिकल और ट्रांसलेशन मोशन में सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन और इसको हम लोग कोरिलेट करते हैं, सिंगल पॉइंट मूविंग इन ए सर्कल, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हम लोग देखे थे इस टाइप का एक सर्कल है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यही वाला यहाँ पे इस यहाँ पे रोटेट कर रहा है। बट रोटेशनल मोशन में क्या होता है, ये कंप्लीट बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, पूरा बॉडी जो होता है वो एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में, सिंगल पॉइंट इन ए सर्कल और यहाँ पे कंप्लीट बॉडी, या फिर कह सकते हैं होल बॉडी रोटेटिंग इन एक्सिस, अबाउट एक्सिस, ठीक है। तो ये था हमारा। अब यहाँ से आता है सर्कुलर सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर मिलता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट मास, ठीक है, मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे सिंगल पॉइंट मूविंग लिया लिया, यहाँ पे पॉइंट मास भी दे सकते हैं, बोथ आर सेम। तो ये है हमारा सर्कुलर सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, और इसका एक डायग्राम के साथ मैंने दिखाने की कोशिश किया है, आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है कि सर्कुलर मोशन क्या है, और हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में काफी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस मैं नहीं करना चाहूंगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए।
अब आती है बात सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है क्या चीज, आइए देखते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मैंने अभी दिखाया आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। उसमें होता क्या है, दो मॉलिक्यूल्स या दो पार्टिकल्स के बीच में एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है, ठीक है, और वह कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई क्यों ना कर दे, ठीक है। चलिए मैं इसको एक न्यू स्लाइड से समझाने की कोशिश करूंगा। एक पार्टिकल्स का सिस्टम तैयार कर रहा हूँ, ये हमारा एक पार्टिकल्स। अच्छा, इसमें मैंने डॉटेड जो दिया है वो आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैंने, हाँ, तो ये है पार्टिकल से मिलके बना हुआ एक कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो मिलके ऐसे मिलके बना हुआ है। इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई करूं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, एफ अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होना चाहिए, देयर इज नो एनी मोशन, एनी डिस्प्लेसमेंट या फिर एनी मोशन इन द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है ना, कम होना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का गैप, ये दोनों का गैप, ये दोनों का गैप, ये मतलब कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स की या दो पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए। अच्छा, हम लोग इलास्टिसिटी में पढ़े हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पे देयर इज नो एनी डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वैसे एक ऑब्जेक्ट को हमने कुछ नाम दिया था, कैटेगराइज किया था, याद कीजिए, और वो नाम था रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये है हमारा रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे जब भी हमको बॉडी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, ऑलवेज हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करें, रिजिड वर्ड का अगर यूज ना करें दैट मीन्स यहाँ पे हम बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडी है। अगर कोई दूसरा बॉडी होगा तो वहां पे हम उससे पहले उसका नाम जरूर लिखा होगा, लेकिन जब भी यहाँ पे हम बात करेंगे कोई भी बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी का क्या प्रॉपर्टी होता है या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच का गैप कभी नहीं बढ़ता है, ठीक है। सपोज ये हो गया, ठीक है, रिजिड बॉडी। मैं हाँ बोलिए बोलिए रितिया, चलिए और एक टाइप का बॉडी को मैं दिखाता हूं, और ये इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, ये इलास्टिक बॉडी है। अब इसमें क्या होगा कि हम इधर से फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस मतलब चेंजेस हो जाएगा, या फिर और क्लोज हो जाएगा, या फिर ये बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर यहाँ पे पुल करो इसको, इस डायरेक्शन में लगा के खींचे तो ये बढ़ जाएगा या फिर वो घट जाएगा। बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विल नेवर चेंज, कि वह चेंज कभी नहीं बदलेगा, इसलिए हमें ऑलवेज लेना पड़ेगा रिजिड बॉडी को, ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कभी नहीं बदलता है, वह सेम रहता है। इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल डू नॉट चेंज व्हाटएवर इज द फोर्स अप्लाई। तो कितना भी बड़ा फोर्स क्यों ना अप्लाई किया जाए, उसका जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस हुआ कभी नहीं बदलता है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब बात आती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रोटेशन तो होता है, रोटेशन होने के लिए ऑलवेज एक हमें एक्सिस चाहिए, और उस एक्सिस के अराउंड अबाउट, ठीक है, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग उस एक्सिस को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे समझेंगे कि उसका एक्सिस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक आपको मेरा छोटा सा एक वीडियो दिखाई दे रहा है, कोना में दिखाई पड़ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? मोबाइल सर, मोबाइल दिख रहा है। चलिए, मैं जानना चाह रहा था कि क्लियर दिख रहा है। तो अब देखिए, हमको इसको रोटेट करना है,
मैं इसको कई तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। एक तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, देखिए मैं इस डायरेक्शन इस टाइप से रोटेट कर रहा हूँ। दूसरा मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। दो मैं यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ साइड से भी। तो यहाँ पे एक्चुअली बिना एक्सिस का तो हम किसी भी चीज को रोटेट कर ही नहीं सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमें उसका एक्सिस चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले कि हम एक्सिस को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए ये नीचे चला जा रहा है, फिर यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा। एक टाइम आया कि मेरा एक ही कह सकते हैं लाइन पे मेरा मोबाइल रह गया बीचों बीच, हम कह सकते हैं सेंटर। अभी इसको अलग तरीके से समझते हैं कि इस मोबाइल में यहाँ पे ऐसे मिला के 20 पार्टिकल्स है, 20 पार्टिकल्स है, और एवरी पार्टिकल्स का वेट है 5 ग्राम। दैट मीन्स यहाँ पे इस फेस में 20 पार्टिकल्स है, एवरी पार्टिकल्स का वेट है 5 ग्राम। तो मेरा टोटल मोबाइल का वेट हो गया 100 ग्राम, 100 ग्राम वेट हो गया। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे रखता हूँ और 100 ग्राम फोर्स मुझे नीचे से ऊपर की ओर लगाना पड़ रहा है मोबाइल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आप देखिए अब क्या करता हूँ मैं, अब मोबाइल को मैं यहाँ से पकड़ने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ, इधर गिर जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा टोटल वेट नहीं आ जा रहा है। अब मैं एक पॉइंट ऐसा मिलेगा मुझे बीच में जहां पे मैं क्या देखूं कि एक ही लाइन पे मुझे 100 ग्राम वेट ऊपर की ओर लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसको बीच वाले जो लाइन आया इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी सारा इस मोबाइल का सारा वेट जो है वहीं पे आके क्या कह सकते हैं वो जमा हो जाता है, या फिर एक ही पॉइंट पे काम करता है, एलोकेट होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हमें एक ही जगह पे वो 100 ग्राम का फोर्स लगाते हैं तो मोबाइल को ऊपर में रख सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारा बीच का, यानी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास, तो वही होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा ऊपर में और यहाँ से इस मोबाइल को मैं इजीली रोटेट कर पाऊंगा। तो ये हो गया हमारा क्या कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं इसको मैं इस टाइप से रखा था, अब मैं इसको चेंज कर दूं इस टाइप का, यहाँ पे यहाँ भी मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इस टाइप से अगर मुझे रोटेट करना होगा ये इस टाइप का, तो यहाँ से भी मुझे एक एक्सिस मिल जाएगा इस टाइप से रखेंगे, ठीक है। तो हमने एक तरीका है, सबसे फर्स्ट हम यही अप्लाई करेंगे कि हम उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा वहां से ऑब्जेक्ट को इजीली रोटेट किया जा सकता है, ठीक है। वही होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर और भी कुछ तरीका है जो मैं बताऊंगा जहां से आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा और एक बात मैं समझाना चाहूंगा कि चलिए मैं यहाँ पे आइए एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताता हूँ। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसमें इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। अब इसको उसको क्या करना है, अब मुझे मैं इसको रोटेट करूंगा। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, मैं इसको इस डायरेक्शन में या इसको घुमाता हूँ, ठीक है। अच्छा जब ये यहाँ पे घूमेगा तो मैं अगर इसका एक पतला सा स्फीयर या सर्कल के फॉर्म में अगर मैं इसको कट कर दूं, इसका एक सेंटर होगा, यानी यहाँ पे एक सेंटर होगा, ये वाला सेंटर हो गया। नेक्स्ट अगर मैं दूसरा को इसी तरह का सर्कल में काटूं, एक इसका भी सेंटर होगा। थर्ड, फिर ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे भाग में इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसका भी एक सेंटर मिल जाएगा। यहाँ भी करें तो इसका भी एक सेंटर होगा, यहाँ भी एक सेंटर होगा। अब यहाँ पे सारे लाइन को मिला देना है इसमें, यहाँ से सारे लाइन को मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि एवरी पार्टिकल एक अपने मतलब एवरी पार्टिकल एक सेंटर होके वो
अबाउट इसके एक्सिस रोटेट करता है हर एक का, इसका इसका एक्सिस ये वाला हो गया, इस सर्कल का एक्सिस ये हो गया, इसका एक्सिस ये हो गया, अलग अलग का हर एक जगह अपना एक्सिस बना लेता है, और जब सारे को मिला देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का हो जाता है हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस। हम ये बात करते हैं, अगर इसमें इस वाले के ऊपर बात करें तो ये दो मॉलिक्यूल्स का ये हो गया हमारा सेंटर। अगर यहाँ पे सिर्फ एक भी रहता फिर भी यह एक उसका सेंटर होता और उस सेंटर के अबाउट वो रोटेट करता, ठीक है। फिर सारे ऑब्जेक्ट को लेके फिर उसको सारे सेंटर को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये तो हो गया इस टाइप का। अगर ऑब्जेक्ट इस टाइप का ना होके अगर इस टाइप का हो, इस टाइप का ऑब्जेक्ट हो तो कैसे होगा? इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, अब इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करना है ऐसे, इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करना है। एक सर्कल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां पर बनेगा, ठीक है। तो इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है, और उस सेंटर के अलोंग या फिर अबाउट वह रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक सेंटर होगा, इसका एक सेंटर होगा, दोनों को मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा तीसरा ऑब्जेक्ट इस टाइप का हो सकता है, रोटेशन ऑब्जेक्ट नहीं, ये रोटेशन इस टाइप का हो सकता है, ये इस टाइप का एक्सिस बन जाए, मतलब ये डायगोनल डायगोनल एक्सिस बन जाए, तो श्योर होगा कि यहाँ पे पार्टिकल होगा, ये एक सर्कल बनाएगा यहाँ, उसके अगर यहाँ से घूमेगा यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे घुमाएगा, यानी ऑल जगह पे क्या होगा, वो अपना एक एक्सिस बनाएगा और उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, इसी को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, और एक चीज आपने क्या देखा, ऑल टाइम जब भी आपने एक्सिस बनाया, ठीक है, जब भी आपने एक्सिस बनाया तो यहाँ पे एक कैसा बना, यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइप का बना, एक सर्कल इस टाइप का बना, और इस सरफेस इसका जो जो क्या कहते हैं हमारा सरफेस है, ठीक है, इसका जो सरफेस के परपेंडिकुलर है हमारा रोटेटिंग एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलवेज जो इस ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, या कह सकते हैं नॉर्मल है। इट इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल मेड बाय पार्टिकल ऑफ योर सिस्टम। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में रोटेट करेगा, जैसे कि ये एक प्लेन है यहाँ पे वो रोटेट करेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारा ये एक्सिस, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जैसे कि हम लोग एक डिस्क डिस्क हो गया, डिस्क हम लोग सीडी डिस्क देखे हैं, उसको अगर सेंटर को एक्सिस बना के उसको अगर रोटेट करे तो या फिर उसको घुमाए तो वो सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटर के सेंटर में एक्सिस उसका अगर सेंटर में होगा उसको हम इस टाइप से बोलेंगे रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, वॉस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। और भी कंडीशन है जो कि हम दिखाते हैं। दूसरा है एक्सिस अलोंग टू द डायमीटर। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यह मूव कर रहा है तो भी एक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यह जो यहाँ पे इस टाइप का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक सर्कल बनाएगा और मूविंग करेगा, इसका जो एक्सिस है ये कोई कह सकते हैं वो सेंटर में, ये क्या कहते हैं उसका, सेंटर में नहीं है। जैसे कि हम सेंटर हम बोलते हैं कि अगर उस सेंटर से क्या कहते हैं वो डाइव, यहाँ जो है हमारा इससे हर एक जगह डिस्टेंस सेम हो, बट ये सेंटर नहीं है, बट इसको हम पॉइंट बना के अगर रोटेट करें तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो रोटेशन है वो कुछ अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सिस बनेगा, ये एक्सिस क्रिएट हुआ हमारा और उस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, एक अबाउट यानी एक्सिस के चारों ओर घूमना और एक्सिस के अलोंग रोटेट करना, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को थोड़ा सा
माइंड में रखिएगा कि पहला जो फिगर था हमारा वो अबाउट द एक्सिस था, अब यह है अलोंग द डायमीटर, डायमीटर के अलोंग यह मूव करेगा, ठीक है, मूविंग या कह सकते हैं रोटेट करना शुरू करेगा, जब रोटेशन इसमें आएगा चाहे जिस जिस डायरेक्शन में भी मोशन हो। दूसरा एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन हो सकता है रोटेशन का, देखिए इस टाइप का ऑब्जेक्ट हो, ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, और एक डंडा लगा हुआ है, ये वाला हम लोग समझ सकते हैं कि देखे होंगे कि गर्मी के टाइम में जो हम लोग गांव में मिलता है पंखा झलते हैं, उसमें एक बांस का लगा हुआ रहता है गोल, और उसको हम लोग घुमा घुमा के कहते हैं बांस घुमाते हैं और वहां से हम लोग को हवा हवा लगता है या हवा में मिलता है। तो यहाँ पे एक्सिस जो है ये एक्सिस कैसा है, वो टेंजेंट है, ये जो है हम एक्सिस है, मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि इस टाइप का यहाँ पे हैंडल था रहता था, यहाँ पे हैंडल को पकड़ते थे, पतला सा हैंडल रहता और इसको घुमाते थे, तो ये चारों ओर घूमता था और हमें एयर मिलता था, ठीक है, चाहे रोटेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो ये कोई मैटर नहीं करता है, बट ऐसे घूमता था और हमें हवा मिलता था। अब ये जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये इसका मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसका जो एक्सिस है वो कैसा है, किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है हमारा, एक्सिस जो है वो है टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ डिस, ठीक है, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम, जब वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला है हमारा एक्सिस ऑफ एक्सिस, कह सकते हैं कैसा है वो, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के टेंजेंट में भी एक्सिस हो सकता है रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था कैसेस कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन का, कितने टाइप्स का एक्सिस होगा, जब मैं ये आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल्स में। तो ये था हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगला हम बात करेंगे कुछ सेंटर ऑफ मास के बारे में, और सेंटर ऑफ मास ही हमें बताएगा कि वह जो होगा वो भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास देखिए ये क्या होता है, हमने आपको वही जो एक फोर्स अप्लाई करके समझाने की कोशिश किया कि किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का सारा वेट लोकेटेड हो जाए तो हम उस कंडीशन को कहेंगे कि वह पॉइंट जो होगा उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो मोबाइल का एग्जाम्पल लेके मैं छोटा सा ऑन करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम 100 न्यूटन 100 कह सकते हैं ग्राम फोर्स लगाया ऊपर के मोबाइल को होल्ड करने के लिए, बट जब मैं किसी एक लाइन पे इसको मोबाइल को बैलेंस करके ले आता हूँ तो यहाँ भी मुझे 100 ग्राम का फोर्स लगाना पड़ता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो अभी लाइन है जिस जहाँ पे मेरा फिंगर है उस लाइन में इस मोबाइल का सारा वेट लोकेटेड है, यानी सारा वेट जो है इसी लाइन पे काम कर रहा है। फिर हम इसको एक पॉइंट भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स एक पॉइंट होगा, वैसा पॉइंट होगा जहाँ से इस मोबाइल का सारा वेट लोकेटेड होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वह पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर वी सपोज दैट ऑल द मास ऑफ ए बॉडी इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट। एक वैसा पॉइंट होगा बीच में जहां पे इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट, ठीक है, सारा वेट या फिर कह सकते हैं टोटल मास जो होगा इसी पॉइंट पे लोकेटेड होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे कुछ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगर कोई हम लोग ज्योमेट्रिकल या हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि अगर सेमिट्रिकल फिगर हो, इफ योर बॉडी इज सेमिट्रिकल
देन ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ मास। अगर कोई ऑब्जेक्ट का अगर सिमेट्रिकल हो, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, इफ बॉडी इज सिमेट्रिकल देन सेंटर इज द इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका ये एक रिंग है, रिंग है, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा क्या होगा, बोलिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्या ये एक सर्कुल सर्कल के टाइप है, सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, सर्कल होगा तो इसका एक सेंटर होगा, सेंटर सेंटर हाँ, सेंटर तो जो जो इसका सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, वही उसका हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, सीएम। ठीक है, सीएम दैट मीन सेंटीमीटर नहीं, सेंटर ऑफ मास। दूसरा ऑब्जेक्ट अगर एक कंसीडर करूं, एक इतना लंबा रॉड है या एक रॉड है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जहां अगर रॉड की मोटाई, ठीक है, मतलब हर एक जगह सेम हो, तो जहां पे इसका आधा लंबा होगा, यानी कह सकते हैं अगर ये एल है तो एल बाई टू जहां होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, होगा। यस सर। तीसरा, अगर एक स्फीयर है, गोला, उसका क्या होगा, गोला में भी एक सेंटर होता है, तो ये सेंटर हो जाएगा उसका सेंटीमीटर। रिंग देखें, रॉड देखें, ये है हमारा स्फीयर। अगला एक हम लेते हैं ऑब्जेक्ट जो कि कैसा है, रेक्टेंगुलर है, यहां से ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर है, इसका हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, इजी बताना है, बोलिए इस ऑब्जेक्ट का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। करना कुछ भी नहीं है, बस करना क्या है, हम इसका दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल यहां पे ड्रॉ किए और एक डायगोनल हम यहां से ड्रॉ किए, यह डायगोनल जहां पे कटा वही इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक और एक मैं बात करता हूँ, ये जो ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर है इस सबका, अगर हम मैथमेटिक्स में ये सब फिगर को पढ़ते हैं उसका सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा, एक ट्रेंगल लेता हूं मैं, एक ट्रेंगल कंसीडर किया, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां से इसको मैं ड्रॉ किया, यहां से इसके बीच में यहाँ पे इसकी लंबाई हाफ हुई, वहां से ड्रॉ किया और इसको यहां से ड्रॉ किया, जिस जगह पे तीनों जाके मिलता है वही इस ट्रेंगल का सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, सेंटर ऑफ मास। यस, ठीक है, ये था एक सिमेट्रिकल फिगर था, हम उसको बहुत आसान तरीके से हमने कर लिया, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ शेप आ जाए जिसको हम लोग सिमेट्रिकल या फिर हम लोग उसको बराबर भाग में नहीं डिवाइड कर सकते, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक आकार मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, मैं एक लेता हूं, आज का क्लास फुल्ली बेसिक क्लास है इसलिए बहुत ज्यादा जोर नहीं, लेकिन फंडामेंटल चीजों को समझिएगा ताकि फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। सपोज करते हैं एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई आइडिया कोई बता सकते हैं कुछ, देखिए इसको क्या करेंगे, इसका निकालने का और एक प्रोसेस है, बट हम लोग इन जनरल अभी सीखेंगे, हम कोई कैलकुलेशन पे या फिर कोई दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, इन जनरल हम सीखेंगे इसको, इन सब चीजों को सीखने के लिए मुझे टॉर्क का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम टॉर्क को अभी नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ से बस इसको एक नॉर्मल तरीका से इसको हम सीख सकते हैं।
अब हम इसको इसका हम सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक रस्सी के या एक धागे के सहारे, ठीक है, एक धागे के सहारे इसको हम लटका देंगे नीचे। यहाँ पे एक धागा है और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लटका देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको लटका दें। ऐसे करके हमने इसको लटकाया। अब लटकाने के बाद मैंने क्या किया, एकदम बॉटम से एक धागा यहाँ पे बांध दिया, बॉटम एकदम बॉटम बॉटम से बांध दिया, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एक डॉटेड लाइन दिया, यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, डॉट लाइन, एक फिगर मेरा मिल गया ये। अब मैं इसी फिगर को क्या करूंगा, एक इस डायरेक्शन में हुआ, दूसरे को मैं उल्टा करके इसको उसका डायरेक्शन चेंज करके मैं इसको यहाँ पे हैंग करूंगा। ऐसे रहा, ये थ्रेड है, अब इसको मैं यहाँ से लटका दूंगा। तो श्योर है इसका एकदम टॉप, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे एक थ्रेड बांधेंगे और यहाँ से बीच बीच में एक वो जो है वो डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अब एक डॉटेड लाइन हम लोग को इधर से यहाँ से मिल गया था, पहले एक डॉटेड लाइन यहाँ से मिल गया था, तो यहाँ पे जो जहाँ पे दोनों मिलता है वही हमारा हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। एक तरीका है एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना करने का कि सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक मतलब डिफरेंट साइज का ऑब्जेक्ट हो तो, और इसको हम कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसको सेंटर ऑफ मास को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। आज का जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया ये आपको कुछ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को समझने से पहले एक बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज का, और एक चीज का जरूरत पड़ेगा हमें, एक मोमेंटम का। चलिए उसको भी टाइम है 10 मिनट में, थोड़ा सा उसको भी मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगा फिर। अच्छा कोई नाम सुने हैं, मोमेंटम ऑफ फोर्स, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटा ऑफ मोमेंटम, इस टाइप का नाम सुने हैं कोई? सर मोमेंटम का नाम सुने सर। मोमेंटम, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट। मोमेंटम एक अलग चीज होता था जहाँ पे एम इंटू वी होता था, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एम मोमेंट, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या चीज होता है, और इस कॉन्सेप्ट का जरूरत जब हम टॉर्क को समझेंगे तब हमें जिसका कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके लिए मुझे कुछ ड्राइंग करना पड़ेगा, कोशिश करता हूँ ड्राइंग करने का। एक जो हम लोग होता है जिसको हम लोग तराजू कहते हैं, हम लोग देखते हैं दुकान में, और यहाँ पे वो बैलेंस रहता है, इधर आर वन इसका, ये आर वन है डिस्टेंस, ये आर टू है, और यहाँ पे एक एम टू मास है और इधर एम वन मास है, ठीक है। और इस टाइप से हम लोग इसको वेट करते हैं किसी चीज को, दुकान में जाते हैं, ये पुराना था, अभी तो नया डिजिटल मशीन आ गया है, बट ये चीज हम लोगों ने देखा है, इन जनरल सब कोई देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये क्या हो गया, इसका ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसका एक नाम दे देते हैं, कुछ एक कोई भी नाम ले सकते हैं, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये अप और डाउन, अगर एम ज्यादा एम वन ज्यादा बड़ा हो गया तो ये रोटेट करके इधर झुक जाएगा, तो इसी के यहीं पे रोटेट करेगा, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ सी आर लिखते हैं शॉर्ट में, सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी इसी पॉइंट से वह रोटेट करेगा, चाहे एम वन हो चाहे आर एम एम टू बड़ा हो, तो इस डायरेक्शन में झुकेगा, फिर भी इसी के यहीं से वो रोटेट करेगा, चाहे इधर झुके चाहे वो यहीं से रोटेट करेगा। अब यहाँ पे एक जो यहाँ पे अगर मैं एम वन इंटू आर वन को मल्टीप्लाई किया कर दूं, तो इसी को बोला जाएगा मोमेंट ऑफ मास। मास यानी जब भी आर के साथ कोई भी फोर्स हो, चाहे मोमेंट हो चाहे मोमेंटम हो, मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंट। जैसे एफ इंटू आर
फिर आर क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा, ठीक है। किस का डिस्टेंस, जहां से रोटेशन कर रहा है, ध्यान रखिएगा आर का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस, जहां से मास अप्लाई हो रहा है या फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका डिस्टेंस है ये। तो अगर मैं यहाँ पे एम की जगह, इस एम वन की जगह पे हटा के अगर मैं यहाँ पे एफ अप्लाई कर दूं, फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, तो ये जो हमारा एफ इंटू आर आएगा ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस एफ के जगह पे मैं संवेग पी को लगा दू, पी मोमेंटम, ठीक है, पी मोमेंटम हम लोग जानते हैं, तो ये जो हो जाएगा मल्टीपल पी इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जब भी मोमेंट, कोई भी मोमेंट ऑफ मास हो, मोमेंट ऑफ फोर्स हो, चाहे मोमेंट ऑफ मोमेंट हो, वो किसका किसका प्रोडक्ट है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स और सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसका दूरी, और ऑलवेज अप्लाइड फोर्स कैसा होना चाहिए, जो डिस्टेंस होगा यानी सेंटर ऑफ रोटेशन, जो यहाँ पे देखिए ये है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस आर वन, तो ये आर वन के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ऑलवेज ये होगा परपेंडिकुलर टू द आर वन, आर वन दैट मीन सेंटर ऑफ रोटेशन जो होगा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मास, फोर्स या संवेग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मोमेंटम टर्म भी कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को, और बाकी डिटेल्स में हम लोग जब जाएंगे टॉर्क को पढ़ेंगे, जब हमें इसके कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे हम बाकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, कि जहां भी हम कहने देखेंगे एफ आर वहां पे हम मोमेंटम ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम एम इंटू आर, ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ मास का, ठीक है। तो इन सब टर्म का मैं यूज करूंगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर समझने के लिए, और जहां भी कहीं भी बॉडी देखिए दैट मीन्स वो बॉडी कैसा है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, और यही था हमारा बेसिक क्लास आज का, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए बस इतना है, अगर किसी को कहीं डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। बाकी इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, और ये सब चीज से थोड़ा मैं क्वेश्चनिंग भी करूंगा सैटरडे का एग्जाम के लिए, ठीक है। सर एग्जाम कब तक होगा फिलहाल? ये तो ये सैटरडे को तो एग्जाम होगा ही हम लोग का, सेमेस्टर एग्जाम का कोई डेट अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम का कोई डेट अभी तक मिला नहीं है, जैसे मिलता हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा वेट कीजिए।